बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सूजी के फ्राइड स्नैक्स बनाना सिखाती हूँ। सूजी के बहुत से फ़ायदे हैं, आप अपने बच्चों को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। सूजी 1 कप, मैदा 1 कप, चीनी 1 कप। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, जो कम शुगर यूज़ करते हैं वो शुगर कम भी कर सकते हैं, या इसके बजाय आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, नीम गर्म पानी ज़रूरत के मुताबिक। मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले अंडा ऐड करें, इसे अच्छी तरह बीट करें। अंडा अच्छी तरह बीट करके वनीला एसेंस ऐड करें। वनीला एसेंस अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी ऐड करें, मैदा ऐड करें, शुगर ऐड करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक थिक सा बैटर तैयार करें। इस तरह का थिक बैटर तैयार करके कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर इसे रखें। तकरीबन 2 घंटे रखने के बाद हमारा मिक्सचर रेडी है। सूजी फूल चुकी है, बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड करें। थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे हम फ्राई करते हैं। कढ़ाई में घी ऐड करें, घी गर्म हो जाए तो स्पून की हेल्प से इसमें डालें। एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइज चेंज कर दें। इसमें आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए कि जब आप डालें तो घी मीडियम गर्म होना चाहिए और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें। फ्लेम हाई रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से कलर डार्क आ जाएगा। दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सूजी के स्नैक्स रेडी हैं। आप इसे शाम के चाय के साथ ये बरसात के मौसम में इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।